हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता करकुदी और आज मैं बताने वाली हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंग लिविंग रूम को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिविंग रूम किसी भी घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूम होता है। यही वह जगह है जहाँ पर आप अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लिविंग रूम हमारे लिए दो तरह से काम करता है। यहाँ पर हम अपने गेस्ट को एंटरटेन भी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, साथ ही यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जैसे टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, आपस में बातचीत करना, डिस्कस करना आदि। लिविंग रूम की सेटिंग करते वक्त अगर वास्तु रूल्स को फॉलो किया जाए तो आपको अपने घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इन्वाइट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर और बात करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान टिप्स पर जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिविंग रूम को वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि घर की मेन एंट्री लिविंग रूम के थ्रू ही होती है, जो कि बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। तो अगर पॉसिबल है तो मेन एंट्री को आप लॉबी के थ्रू या पैसेज के थ्रू बनवा सकते हैं। लिविंग रूम के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शंस मानी जाती है नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। इसके डोर को आप नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में लगवाइए, ये ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लिविंग रूम की सेटिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपका लेआउट कुछ इस तरह से बना हो कि आपका मोस्टली फर्नीचर और सामान साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में हो, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को कोशिश करके आप थोड़ा फ्री रखें और इसे क्लटर फ्री बनाइए। फर्नीचर सेट करते वक्त ध्यान रखें कि आपके सिटिंग एरिया के ऊपर कोई बीम नहीं आना चाहिए, और साथ ही फर्नीचर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो कि हेड ऑफ द फैमिली का फेस नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहे। आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगवाइए, और अगर आप लिविंग रूम में एक मिरर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्थ वॉल पर लगाएं। अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप किसी सुंदर सी पेंटिंग से सजा सकते हैं। प्रकृति से रिलेटेड पेंटिंग्स आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करती है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी पिक्चर या पेंटिंग, पोर्ट्रेट वगैरह नेगेटिव वाइब्रेशंस या डिस्टर्ब फीलिंग वाला ना हो। तो देखा जाता है कि हम लिविंग रूम में किसी रोते हुए बच्चे या बहुत मेहनत करती हुई, परेशान दिखती हुई किसी लेडी का पोर्ट्रेट लगाते हैं जो कि नेगेटिव वाइब्रेशंस को इनवाइट करता है, तो आप ऐसी पोर्ट्रेट लगाने से बचें। जो भी तस्वीरें आप लिविंग रूम में लगाइए वो कुछ ऐसी हों जो कि आपके मन को खुशी दे और शांति दे, यानी पॉजिटिव एनर्जी वाली पिक्चर्स को आप लिविंग रूम में लगा सकते हैं। आप लिविंग रूम में कुछ हेल्दी प्लांट्स को भी रख सकते हैं पॉट्स की हेल्प से, लेकिन कैक्टस या बोनसाई प्लांट्स को अवॉइड करें, ये घर में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी अवॉइड करें, ये नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे, तो इन्हें अवॉइड कीजिए। लिविंग रूम की दीवारों का रंग लाइट ही रखें, जैसे वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, लाइट येलो, लाइट ग्रीन आदि कलर्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वॉल्स पर। रेड और ब्लैक कलर को कम्प्लीटली अवॉइड करें। एयर कूलर और एसी को नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट वेस्ट में लगवाया जा सकता है। ध्यान रखें कि लिविंग रूम की सीलिंग में कुछ भी ना लगवाएं सेंटर में। शैंडेलियर लगाना चाहते हैं तो आप इसको दक्षिण या पश्चिम डायरेक्शन में सीलिंग में लगा सकते हैं। लिविंग रूम की दीवारों पर अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने ऐसे परिजन जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कुछ पोर्ट्रेट वगैरह लगवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इन्हें सिर्फ साउथ वॉल पर ही लगाएं। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल को इस तरह से प्लेसमेंट कीजिए कि हेड ऑफ द फैमिली का फेस साउथ डायरेक्शन में ना होकर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो। साउथ डायरेक्शन को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है कि प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड्स और डायरेक्शंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेकर आपके घर की एयर क्वालिटी और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना। इससे आप अपने घर का एनवायरनमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में
हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को इन्वाइट कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हर एक रूम की अपनी आर्ट डिजाइन होती है, तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल रूम को वास्तु के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि लिविंग रूम के लिए अगर आप आज के इन इजी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने लिविंग रूम को वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।